पहले आज मैं अभी जबलपुर आ गया था और जबलपुर की पूरा सिटी वगैरह भी व्यू की है, तो सारा वीडियो अब मैं आपको शो करूँगा और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जैसा भी होगा अपना कमेंट वगैरह बताइएगा, मुझे रिव्यू वगैरह दीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये पूरा अपना जबलपुर सिटी है और ये आपका गोरखपुर बोले तो रामपुर साइड का पूरा इलाका है। आप देख सकते हो कितनी काफ़ी ज़्यादा और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो जबलपुर की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है, आपको एक बात बता दूँ मैं, जितनी हरियाली आपको पूरे MP में जबलपुर में देखने को मिलेगी उतनी कहीं नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का हेडक्वार्टर भी है। तो और फिर इसके अलावा बहुत सारी जो लैंड एक्विजिशन है ना वो आर्मी के पास है, तो उन लोगों ने बहुत प्रॉपर तरीके से अपने जो लैंड है उसको बना रखा है। तो आप ये देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, और जबलपुर जो शहर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वाइड एंगल में आप देख सकते हो कितना शानदार शहर है। ये देखिए मतलब भाई साहब, मतलब एक अलग ही लेवल है भाई यहाँ सिटी का, बहुत ही शानदार सिटी है। आप देख सकते हो यहाँ पे टेंपल वगैरह बहुत सारे, और अभी तो इस समय और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो आप समझो कि हर मोहल्ले में एक एक माता जी का लोगों ने विराजमान किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, और अभी मैं बिल्कुल रामपुर की साइड से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और ये आप देख सकते हो, और अभी मैं पहुँच गया हूँ आपका ये विजयनगर की साइड का एरिया। जो लोग जबलपुर से होंगे वो लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है वीडियो, और जैसा भी कमेंट वगैरह होगा आप हमें बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों का एरिया से होके ये है क्या। आप देख सकते हो कितनी शानदार और बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स, और यहाँ पे देखो ट्रैफिक कंट्रोल भी बहुत ही प्रॉपर तरीके का है, तो आप एक हिसाब से बोल सकते हो कि सब कुछ अच्छा है। और ये आप देख सकते हो मतलब यार सिटी तो ये नेक्स्ट लेवल की है, मतलब जितनी साफ़ सफ़ाई आपको दूसरी सिटियों में मिलेगी वो उससे ज़्यादा अच्छा साफ़ सफ़ाई आपको जबलपुर में मिलेगी। साफ़ सफ़ाई के मामले में तो नोबडी कैन बीट जबलपुर, तो मतलब जबलपुर को यार कोई बीट नहीं कर सकता है। बट हाँ अभी अच्छा हो गया है, अभी जैसे जो भी सर्वे आएगा तो उसमें आप देखना, शायद जहाँ तक है तो जबलपुर का भी ज़रूर नाम होना चाहिए इस बार। और ये आप देख सकते हैं नया ब्रिज जो है वो बन के तैयार है सभी पब्लिक के लिए, और बहुत ही प्यारा था ये अपना ब्रिज। और अभी मैं रानीताल की साइड से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हो इस साइड में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सीध जो अपने रीवा और बोले तो जबलपुर को कंपेयर करते हैं, बट अगर आप बात की जाए रीवा और जबलपुर में तो जबलपुर बेस्ट है, बिकॉज ऑफ जबलपुर में आप जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रीवा। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मतलब आपको रीवा में भी मिलेगी बट तो उतना सारा जो फैसिलिटी है ना वो आपको रीवा में नहीं मिल पाएगा जितना आपको जबलपुर में मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हेल्थ का भी कुछ होता है तो लोगों को यहीं आना होता है जबलपुर में ही, तो उतना नहीं है। बस हाँ वो कॉम्पिटिशन चल रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि अगर वो अगर जबलपुर 60 है तो 40 है पीछे नहीं है, मतलब उसको पास करने की कोशिश कर रहा है कि या उसको ओवरटेक कर जाए। बट अभी अगर देखो तो जबलपुर तो यार जबलपुर है, मस्त सिटी है, बड़ा सिटी है, तो आप देख सकते हो। और क्लीनिंग आप देख सकते हो क्लीन कितना है, मेन बात आप देखिए यहाँ पे रोडें कितनी साफ है, मतलब आपको ये देख करके अच्छा लगेगा। मतलब आप अगर रीवा में जाओगे तो रीवा में थोड़ी गंदगी रहती है, बट आपको यहाँ पे क्लीनिंग ज़्यादा दिखेगी। जो मेरे भाई लोग रीवा वगैरह से देख रहे होंगे वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि रीवा में अभी कुछ टाइम से काम ठीक हुआ है, अभी फ्लाईओवर वगैरह अच्छे बन गए तो वहाँ पर भी अच्छा लगता है, बट ठीक है। बट लेकिन जबलपुर तो जबलपुर है और बड़ा शहर है, आप देख सकते हैं कितने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे माता जी को विराजित किया गया है, और ये पूरा की पूरा जो इलाका है ये पूरा जो है ISBT की साइड का है, और यहाँ से ISBT से आपको अलग अलग जगहों की गाड़ियाँ मिल जाती है, लाइक सिवनी जाना है या फिर बालाघाट जाना है तो आप इस रूट पे आपको मिल जाएगी। और आप याद रखना है कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो जिनको नागपुर जाना है आसपास की UP वगैरह की, तो उनको जबलपुर होके ही जाना होता है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी एक मस्ट और एक अच्छा सिटी है। तो आप ये देख सकते हो कितना प्यारा सिटी है, और अभी यहाँ पे एक नए फ्लाईओवर का भी पूरा की पूरा उद्घाटन होने वाला है, ये देखो पूरा सजा हुआ है, PWD और NCC की दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्रिज यहाँ पे है, और सिटी आप देख सकते हो सिटी तो बहुत प्यारा है। और ये पूरा पूरा जो वीडियो है ये गोल बाज़ार साइड का है, आपने अगर कभी देखा हो गोल बाज़ार और इसके आगे ही आपका
जामदार अस्पताल भी है, और जामदार अस्पताल तो सबको पता ही होगा किस चीज़ के लिए फेमस है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ही बताइएगा कि जामदार जो हॉस्पिटल है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। और ये पूरा की पूरा गोल बाज़ार का ही इलाका है, और आप यहाँ पे देख सकते हो अल्टीमेट क्या सिटी है, एक नंबर सिटी है, मतलब आप अलग ही लेवल का है भाई यहाँ पे मज़ा। तो आप देख सकते हो क्लीनिंग वगैरह, मैं तो बेसिकली क्लीनिंग को देख के ही मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ मतलब जो सिटी को मैं अगर वहाँ पे स्वच्छता है तो ये समझे यार सिटी तो बेल है। और लोग किसी भी सिटी को साफ करने में वहाँ के लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता है, तो इसके लिए मैं जबलपुर के लोगों को सैल्यूट करूँगा। और आप ये देख सकते हो मार्बल हॉस्पिटल भी है, और ये यहाँ पे बसेस वगैरह भी आपको देखने को मिल रही होगी। और अभी मैं बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कि अपना रसल चौक है, क्योंकि मैंने होटल भी वहीं पे बुक करके रखा हुआ है। तो अभी मैं अपने होटल की ओर तरफ ही आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और गाइस अगर आपको वीडियो वगैरह मेरी अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो आपको पता है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।